You don't want to.
दी कुछ खाया? खा ले ले। क्या लिया? अच्छा वो लो आपको ही लेती हूं। आप खुद ही गोल गप्पे उसको खा। अरे तेरी देख लो सब। अच्छा एक सेकंड। एक घंटे बाद तो उसने क्लिक करी जब हमने एल्बम देख लेन बाकी देख जाओ एल्बम भाई थोड़े ना जी चिन्हवा मेरे साथ Thank you.
फ्रेंड्स हम लोग पहुँचे अभी मेरठ में और हम लोग का गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, तो यहाँ पर टायर भी ठीक कर रहे हैं और हम लोग अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और टायर भी ठीक हो रहा है। अभी गाड़ी का टायर भी ठीक हो गया और ब्रेकफास्ट भी, तो चलो हम लोग निकलते हैं अभी फिर से घर के लिए। अभी फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए हरिद्वार में और यहाँ से जो हमारा घर है वो 15 से 20 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर ये सामने पे आपको देख रही होगी मनसा देवी और इसी के दूसरी साइड में है चंडी देवी। तो हरिद्वार में आपको हर एक जगह पर घूमने के लिए तीर्थ स्थान मिलेंगे, हर दो कदम पर मंदिर होगी। तो जब भी उत्तराखंड में आए तो हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के लिए आप लोग ज़रूर आए। इस वाले ब्लॉग में फ्रेंड्स आपने देखा कि हम लोग दुल्हन के घर पहुँचे, उसके बाद खाना पीना जयमाला और फेरे विदाई सब हुआ। अभी जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें मैं दुल्हन के गृह प्रवेश की डालूंगी और वो वीडियो मैं आप लोग के साथ दूसरी शेयर करूंगी, क्योंकि ये वाली वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। और अगर आपने हल्दी हाथ और न्यूतेल पूरे वो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी ज़रूर देखें, पूरी शादी को इन्जॉय करें, क्योंकि हम लोग की गढ़वाली शादी है और अपने रीति रिवाज के साथ की है, तो सारी शादी बहुत अच्छे से हो गई है। और आगे आने वाले वीडियो में आपको दुल्हन के गृह प्रवेश की, उसके बाद रिसेप्शन, उसके बाद हम लोग का गढ़वाली कैसे धारा पूजन करते हैं, पहले गांव में कैसे करते थे अभी शहरों में किस तरह से धारा पूजन होता है, वो सारी वीडियो मैं आप लोग के साथ लाने वाली हूँ। तो ये सब देखने के लिए आप मैठानी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोग ने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती है आप लोग से जल्दी एक नए वीडियो के साथ।